इस क्वेश्चन के अंदर अ बॉल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, ये आपके सामने है, एक बॉल 9 की स्पीड के साथ चल रही है, आइडेंटिकल बॉल यानी कि मास इसका भी क्या रखना है, सेम गिवन होना चाहिए था, लाइंग एट रेस्ट गिवन नहीं है, मेंशन कर लो सेकेंड बॉल इज लाइंग एट रेस्ट, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं और सेकेंड बॉल को भी मोशन में ला सकते हैं, नहीं लाए रेस्ट पे, तो रेस्ट पे, सच दैट आफ्टर द कोलिजन डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद योर ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन। अब यहाँ कन्फ्यूजन है, 2 मिनट पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, एक रिजल्ट करवाया कि अगर इलास्टिक कोलिजन है और मासेस बराबर है तो दो बॉल्स का टोटल सम ऑफ एंगल क्या बनना चाहिए, 90, पर इसने क्या दिया 30 एंड 30, तो ये गड़बड़ हो गई, या तो मेरा रिजल्ट गलत है या क्वेश्चन गलत है या कुछ तो चेंज है क्वेश्चन में, तो इसमें ये चेंज है, ये कोलिजन इलास्टिक है ही नहीं। एक ही केस में ऐसा हो सकता है जब ये इन इलास्टिक कोलिजन है या एनर्जी लॉस है, तो फिर आप कहेंगे फिर इन इलास्टिक कोलिजन 2D में तो हमने की नहीं, हम तो इलास्टिक की है। देखो चाहे इलास्टिक कोलिजन है चाहे इन इलास्टिक कोलिजन है, एक चीज़ हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है और वो क्या है, मोमेंटम। तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो इलास्टिक में भी लगता है और इन इलास्टिक में भी लगता है, तो इसमें भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है, तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर ये इलास्टिक कोलिजन होती फिर ये कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि एक एंगल को 30 तो दूसरे को 60 पे होना ही था, और अगर ये नहीं है तो इलास्टिक नहीं है। पर चल ना हो इलास्टिक, मोमेंटम कंजर्वेशन तो इसमें भी सेम अप्लाई कर सकते हैं, तो लगा दो जैसे पहले लगाया था। तो आपने मान लिया कि यहाँ पर ये जो बॉल एम है इसका मोमेंटम MV1 है, MV2 है, तो इसका मोमेंटम एक्स के अलोंग MV1 cos 30 है, MV1 sin 30 है, MV2 cos 30 है, MV2 sin 30 है, MM से मल्टीप्लाई कर लो। तो एक्स के अलोंग मोमेंटम कंजर्व करें, एक्स के अलोंग टक्कर से पहले मोमेंटम M × 9, इसका कितना 0, कोलिजन के बाद MV1 cos 30 प्लस MV2 cos 30, ये फर्स्ट इक्वेशन, MMM कैंसल इक्वेशन नंबर 1, सही है। और वाई में इसका मोमेंटम तो है ही नहीं, इसका मोमेंटम तो है ही नहीं, तो ये और ये बराबर, तो देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्लियर है। तो अभी जो मैंने इक्वेशन आपको लगानी सिखाई सेम लगा दो, एक्स मोमेंटम सेम करोगे तो V1 + V2 की वैल्यू आएगी 18/√3, क्योंकि cos 30 को √3/2 √3/2 पुट करोगे तो ये वैल्यू, इसको रैशनलाइज कर लिया मैंने, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो कितना आ गया 6√3, V1 + V2 आ गया। यहाँ से इक्वेट करके एम से एम कैंसिल करके sin 30 sin 30 कैंसिल करके V1 V2 बराबर आ गए। अब ये V1 V2 बराबर है तो यहाँ से सॉल्व करके V1 एंड V2 कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आ गया। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, V1 V2 कैसे निकलेगा? थर्टी डिग्री गिवन नहीं है, डायरेक्शन क्या बतानी, वो तो बता ही रहा है, खुद ही बता बैठा, हमने तो क्या ही बताना है, हम तो V1 V2 निकालेंगे। क्या यहां तक क्लियर है, V1 V2 तक क्लियर है? ठीक है, अब आपसे वो ये पूछ रहा है क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी? वैसे तो आपकी नॉलेज और कॉमन सेंस कह रही है नहीं रहेगी, अगर रहती है तो फिर तो इलास्टिक है, फिर 30 30 नहीं हो सकता, तो इसमें तो नहीं रहेगी, प्रूव करो। तो आप क्या करेंगे, टक्कर से पहले एनर्जी निकाल लेंगे काइनेटिक, सेकेंड की तो जीरो है, पहले की ½ × M × 9² एम की फॉर्म में निकाल लें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल निकाल लें ½ M V1² ½ M V2² V1 V2 आप निकाल चुके हैं, सॉल्व करें 27 M है, चेक करें इनिशियल काइनेटिक ज़्यादा है फाइनल कम है, एनर्जी कॉन्स्टेंट नहीं है, और अगर ये इलास्टिक होती तो इनकी एनर्जी एकदम सेम आती, और ये इन इलास्टिक एनर्जी सेम नहीं आएगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें, कैसे चेक करना है एनर्जी सेम है कि नहीं सेम, ठीक है, और प्रूव करने को आए तो कैसे करना है, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू तो वैसे पता लग ही रहा है कि एनर्जी सेम नहीं है, लॉस ऑफ एनर्जी आ सकती है, लॉस ऑफ एनर्जी में इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी माइनस कर तो लॉस आ गया, अगर पूछे तो एम की फॉर्म में आएगा। कौन सा
ठीक है, यहां तक क्लियर है? न्यूमेरिकल है ये तो सही नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि इसमें ना प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट गिवन है, वो पता नहीं क्यों गिवन है, मुझे मालूम नहीं है, इसको तो छोड़ दो। पर ये तो कर सकते हो कि अगर दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं और इलास्टिक कोलिजन है, तो दो बॉल विल बी सेपरेटेड बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसका प्रूफ मैंने आपको करवा दिया, ठीक है यहाँ तक? तो ये प्रोजेक्टाइल क्यों वर्ड यूज़ किया मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर रहा। इसका आंसर, कंसिडर अ कोलिजन, फिगर गिवन नहीं है, फिगर मैंने बना दी, ये फिगर है, ये फिगर है। टू बिलियर्ड बॉल्स हैं विद इक्वल मासेस हैं, मास बराबर है, एम वन इज इक्वल टू एम टू। फर्स्ट बॉल इज कॉल्ड द क्यू। देखो कितनी मतलब अननेसेसरी कहानी बना रहा है, पहली बॉल का नाम रख रहा है, इसका नाम है क्यू। वाइल द सेकेंड बॉल इज कॉल्ड द टारगेट, क्यू टारगेट, जरूरत नहीं है, एम वन इज इक्वल टू एम टू से भी हमारा काम तो चलता है। आगे, द बिलियर्ड प्लेयर वॉन्ट सिंक द टारगेट बॉल इन द कॉर्नर पॉकेट, वो बॉल को उस पॉकेट में डालना चाहता है ताकि वो जीत जाए। आगे, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, वो पॉकेट कहाँ पर है? 37 डिग्री पे है, कह रहे फिर अगर इसने इसको हिट कर दिया तो दूसरी बॉल कितने एंगल पर गई? यार मास आइडेंटिकल है, इलास्टिक कोलिजन है, तो एक 37 है, दूसरा 90 माइनस 37, 53 आंसर आ गया। बाकी तो कहानी कहानी है, अंदर तो कुछ है ही नहीं इसके, बट टोटल एंगल 90 है। हाँ क्यों नहीं?